Hey guys, welcome to our beautiful channel Sai World. Let's begin with our recap for the last video. So, pichli video mein humne statistics start kiya hai BA third year ke liye aur usme humne large sample mean kiya tha, NPC kiya tha aur samjha tha ki what is statistic? Hum kya baat kar rahe hain statistics mein aur BA third mein hum kaun sa statistic use karte hain, kaise topic hote hain aur hume question kaise solve karna hai. बहुत बच्चे डर जाते हैं अपना पहले ही वो देख के कैलकुलेशंस देख के और वो फॉर्मूलाज देख के. तो डरना नहीं है, इट्स क्वाइट इजी अगर आपको समझ आ जाता है. तो अब हमारी सेकंड वीडियो है ये, इसमें हम बात करें स्मॉल सैंपल मीन. अब लार्ज सैंपल मीन में क्या था, हम लार्ज सैंपल मीन में बात कर रहे थे जो 30 अबव है, अपना जो सैंपल होगा वो 30 अबव होगा लार्ज सैंपल में. और स्मॉल सैंपल में 30 से बिलो होगा, ठीक है ना, बिलो 30 होगा. और इसमें एक चीज ही ऐड होती है, वो है डीएफ. अब आपको याद होगा हम लार्ज सैंपल में, आपको अगर याद हो लार्ज सैंपल में हम जेड टेस्ट की बात करते थे. जेड टेस्ट के लिए हमें ना वैल्यूज दी होती थी 0.05 एंड 0.01. ये हमारा ना सिग्निफिकेंस चेक करने वाली लेवल्स है. ये हमें और ये हमने इसमें भी करने हैं, बट हमें ना इसकी वैल्यूज दी होती है वैल्यूज. अब जैसे 0.05 पे हमें दी थी 1.96, 2.58, ये दो वैल्यूज दी थी. अब हम मैंने कहा था उस वीडियो में भी यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज फॉर द लार्ज सैंपल. आपको ये याद रखना है लार्ज सैंपल के लिए. बट अब हम कर रहे हैं स्मॉल सैंपल. अब स्मॉल सैंपल के लिए तो हमें कोई ऐसी देनी होगी. स्मॉल सैंपल में क्या है, हमें डीएफ निकाल के हमें ये वैल्यूज निकालनी होती है. हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. अभी के लिए एक चीज मैं और बता रही हूँ. अब आप ये एक टेबल देख रहे होंगे, है ना, यू कैन सी दिस टेबल. इसमें टेबल सी लिखा हुआ है, क्रिटिकल वैल्यू फॉर टी, ठीक है ना. अब यहाँ पे टी का मतलब ये कि टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यूज. अब हमने जेड टेस्ट की तो हमने लार्ज सैंपल में याद कर ली कि 0.05 पे 1.96 है और 0.01 पे 2.58 है, ये वाली वैल्यूज. बट लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई वैल्यूज नहीं दी हुई, तो हमें क्या करना है, हम इसमें एक एडिशनल स्टेप करते हैं जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ निकालते हैं. उससे क्या है, हम अपना जो क्रिटिकल वैल्यू है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. हम जब क्वेश्चन करेंगे यू विल गेट टू नो हाउ वी फाइंड दी डीएफ और उसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन. डीएफ जब करेंगे तब हम ऊपर आ जाएंगे इस वाले पे जो ऊपर टेबल बना हुआ है. तो हमारे पास इसमें क्या है, मीन जो गिवन है वो है 39 एंड एन गिवन है अपने पास 25. अब देखो ना, स्मॉल सैंपल की बात हो रही थी, ब्लो 30 आ गया, 30 से तो कम है. फिर हमारे पास एसडी है, एसडी को हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं इस साइन से. तो एसडी अपने पास 3 है, सिंपल. अब क्या है, अपने पास फॉर्मूला तो वो ही है, फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा, बस उसमें एक एडिशनल स्टेप आ जाता है. अब पहले क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट डीएफ, ठीक है. डीएफ का फॉर्मूला है एन माइनस वन. डीएफ का फॉर्मूला है एन माइनस वन. अब हमें पता हमारा एन कितना है, एन हमारे पास है 25 माइनस वन इज इक्वल टू 24, ठीक है, 24 आ गया.
अब इसके बाद हमने वो फॉर्मूला लगाना जो हम लगा रहे थे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। अब हमारे पास सिग्मा क्या है, 3, अंडर रूट कितना है, 25। अब पता क्या करना है, कोशिश करो कि इसको ब्रेक डाउन करके करो, ये जो अपना 25 है पहले इसका अंडर रूट निकालो फिर उसके साथ डिवाइड करो इफ यू कैन, अगर नहीं तो तुम इसको इकट्ठे भी कर सकते हो ठीक है, बट ब्रेक डाउन करके चलोगे तो भी ठीक है, इट्स टोटली योर चॉइस ठीक है ना, और अगर आप इकट्ठे करोगे इट्स ऑल्सो योर चॉइस, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। अब हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आता है 0.6, एक स्टेप हो गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या है, एक सेकंड, स्टेप टू, अब यहां पे हमें ना एक स्टेटमेंट लिखनी है, वो है एट द 5% और 0.05 कॉन्फिडेंस। अब फॉर्मूला तो हमारा वही है, एम प्लस माइनस वैल्यू इंटू एसीएम। अब अपने पास एम तो गिवन है, एम भी गिवन है, एसीएम भी आ गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास वैल्यू नहीं है, वैल्यू कैसे निकालनी है। अब हमारे पास जो डीएफ था ना, ये डीएफ अपना आया हुआ है 24। अब मैंने ऊपर एक टेबल की बात करी थी, टेबल सी, ये वाली फोटो ठीक है ना, टेबल सी में क्या है, अब यहाँ पे इस वाली साइड पे ना लिखे होते हैं डीएफ की वैल्यू। डीएफ जैसे हमारा आया 24, ये रहा ठीक है ना, ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, इट्स जस्ट फॉर योर एग्जांपल। तो ऐसे सेम जो टेबल है वो आपको एस के मंगल बुक में मिल जाएगा, एस के मंगल की बुक है साइकोलॉजी की, तो उसके ना एंड में मिल जाएगा, और ये आपको पेपर में लेके जाना है ठीक है ना, जब आपका एग्जाम होगा उसमें आपको ये कैरी करना है अपने साथ ठीक है ना, अलाउड होता है। आप अपना कैलकुलेटर भी लेके जाते हो, आप ये अपना टेबल भी लेके जाते हो, आगे भी एक और टेबल होगा वो भी आपको लेके जाना है, वो जब हम कोरिलेशन करेंगे उसमें बताऊंगी मैं कौन सा टेबल है, और इस टेबल को ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ठीक है ना, पीडीएफ बना के पीडीएफ के फॉर्म में वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा ठीक है ना, आप वहां पे जाके देख सकते हो ठीक है ना। अब यहां पे जो 24 है, 24 के यहाँ पे अब 0.01, ये यहाँ पे ना ऊपर लिखा होता है 0.05, 0.01। अब यहाँ पे तो चार वैल्यूज है, 0.05 ये वाली लाइन है, 0.01 वाली ये वाली लाइन है, हमें सिर्फ इन दोनों में ही देखना है, हमें और कहीं नहीं देखना। अब यहाँ पे 24 है, 24 के सामने कौन सी वैल्यूज है 0.05 पे और 0.01 पे, वो देखनी है ठीक है ना। अब 0.05 पे हमारी वैल्यू आती है 0.388 ठीक है ना, अपने पास m कितना होता है, m अपने पास 39 ही होता है, प्लस माइनस वैल्यू 0.388 इंटू 0.6 क्या है, स्टैंडर्ड एरर
ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ये रहा हमने निकाला है, उसके बाद हमने सॉल्व करना है। अब क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, 39 प्लस माइनस जो इसकी वैल्यू आएगी वो लिखनी है। अब हमारी इसकी वैल्यू आती है 0.29 और फिर पता क्या करना है, पहले 39 से 0.29 माइनस करने हैं, वो आ गया अपने पास 38.7 और फिर 0.29 39 से प्लस कर देने हैं, 39 में प्लस कर देने हैं 239.29, ठीक है, ऐसे कर देना। अब पता क्या, आप इसमें एक और चीज कर सकते हो, अगर आपकी लंबी वैल्यू आ रही है, तीन नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, थ्री डिजिट्स आ रहे हैं, अब जो दो आपके टेबल में वैल्यू है उसको तो चेंज नहीं करना। अब जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, 0.388 को मल्टीप्लाई किया है 0.6 से, तो आपकी सपोज करो तीन में वैल्यू आ गई है ना, तो क्या है, आपको दो ही वैल्यूज लेनी है। जैसे मैंने लिए 0.29, ठीक है ना, ज़्यादा वैल्यूज मत लेके चलना, सिर्फ वैल्यू जो आपकी टेबल पे उसको आप तीन ले सकते हो, और किसी को मत लेके चलना, दो ही लेके चलना। और एक चीज और, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो अगर आपकी वैल्यू 5 से ऊपर जा रही है और आपको दिख रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे सपोज करो 0.259 आया हुआ है, आपने देख लिया कि हमें 59 आ गया, तो इसको 3 भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, इसको आप 0.30 भी कर सकते हो, क्योंकि वो आगे बढ़ गया ना, क्योंकि आगे 5 से ऊपर आ गई वैल्यू, इट्स योर चॉइस अगर आपको उसको राउंड ऑफ करना है, अदरवाइज ऐसे ही चल लो। कई जगह पे कुछ लोग उसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो इतना कोई वेरिएशन नहीं आता, बट लेकिन इट्स योर चॉइस अगर आप उसको राउंड ऑफ करना चाहो तो। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप, इसमें भी आपको सेम स्टेटमेंट लिखनी है, एट 1% और 0.01 कॉन्फिडेंस। इसमें भी वही सेम मेथड, वही सेम फॉर्मूला, एम प्लस माइनस वैल्यू इनटू एस ई एम। अब हमारे पास m क्या है, 39, सेम जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में वैल्यू निकाली थी, ठीक है ना, उस टेबल को देख के वैसे ही हमने 0.01 की वैल्यू लिख देनी है। अब 0.01 की वैल्यू क्या है अपने पास, 0.496 इंटू 0.6। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका लिख देना 0.29 नहीं प्लस माइनस 0.29। अब ये तो सिमिलर आ गया, थोड़ा सा ही वैल्यू में फर्क आएगा। अब पहले इसमें से माइनस कर देना, फिर प्लस कर देना, सेम आ गया, सिमिलर भी नहीं, सेम आंसर आ गया। तो इसकी समरी भी आपको लिखनी होगी, अभी इसमें आपने क्या किया, पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है, ठीक है। और एक और चीज, अपनी वैल्यूज, अब ये सॉल्व करके ना आप अपनी वैल्यूज भी लिखोगे कि क्रिटिकल वैल्यूज आपकी कौन सी आई है, ठीक है, वो मेंशन करना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो अच्छी चीज है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल वैल्यूज आप लिख देना, या पहले भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, मैं तो बाद में ही
लिखती होती हूँ, आप पहले भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बट इसको मेंशन जरूर करना, एट 0.01 इज इक्वल टू 0.496, एट 0.05 इज इक्वल टू 0.388, ठीक है, ये जरूर मेंशन करना, ठीक है ना, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, इट्स टोटली योर चॉइस, बट ये जो स्टेप ऊपर फॉलो किए हैं वो एज इट इज ही चलने चाहिए। पहले डीएफ निकालना है, फिर अपना स्टैंडर्ड एरर निकालना है, फिर अपना ये नेक्स्ट स्टेप पे आना है जहाँ पे हम 0.05 पे कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं और फिर हम 0.01 पे ढूंढते हैं, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, नंबर नहीं मिलेंगे, इसको ऐसे ही चलना है, ठीक है, स्टेप ऊपर वाले ही करने हैं। और इसको जो ये क्रिटिकल वैल्यू वाला है, इसको आप चाहे पहले मेंशन कर लो डीएफ निकालने के बाद, चाहे लास्ट में मेंशन कर दो, इट्स योर चॉइस, ये कहीं पे भी आप लिख सकते हो, बट इसको मेंशन करना इज इम्पॉर्टेंट। एक छोटी सी समरी है, ठीक है ना, वो लिख सकते हैं, एट 0.01 एंड 0.05 कॉन्फिडेंस वैल्यूज कुड बी रेंज फ्रॉम 38.7 and highest 39.29, ठीक है, ये मेंशन कर देना है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एज वेल एज कोरिलेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इसको अच्छे से करिए, ठीक है, और जो टेबल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ठीक है ना, पीडीएफ फाइल में होगा और वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू।